गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आज परमीना MBBS स्टूडेंट एंड नाउ दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ यूटेरस। इससे पहले अपन यूटेरस एनाटॉमी की एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसके अंदर अपन ने बात किया था यूटेरस के एक्सटर्नल फीचर्स एंड इसके एंगल्स के बारे में। अब बात करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ यूटेरस के बारे में। तो यूटेरस के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस होता है वो यूटेरस का अपर फ्री एंड होता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी होती है, बॉडी के अंदर दो सरफेस मिलती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। दो बॉर्डर्स होते हैं, दो लेटरल बॉर्डर्स होते हैं मतलब साइड में, और बीच में एक कैविटी होती है, ठीक है। फिर अपने सर्विक्स, सर्विक्स अपने यूटेरस का लोअर 1/3 पार्ट फॉर्मेशन करता है। इसका सर्विक्स को अपन वेजाइनल वॉल के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बांट देते हैं, ऊपर वाला सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, नीचे वाला वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के बीच में एक कैनाल मिलती है जिसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो इस टाइप में होते हैं, ये है अपना यूटेरस, इस टाइप में अपना यूटेरस होता है। यूटेरस का ये अपर वाला पार्ट है ना, अपर फ्री एंड जिसे बोलते हैं फंडस, ये कॉन्वेक्स शेप में होता है, डोम लाइक, है ना। यहाँ पे अपनी ये यूटेराइन ट्यूब है, यूटेराइन ट्यूब की ओपनिंग हो रही है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट होता है, ये है अपना फंडस। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना फर्टिलाइज उस साइड है ना, उसका इम्प्लांटेशन वगैरह इसके अंदर होता है। उसके बाद ये बॉडी है, बॉडी के साइड में ये है क्या, दो लेटरल बॉर्डर्स है, ये दो लेटरल बॉर्डर्स है, बीच में अपना कैविटी ऑफ यूटेरस। ये कैविटी कैसे कोरोनल सेक्शन में कैसे दिख रही है, वो ट्रायंगुलर शेप की दिख रही है ना, इसका एपेक्स नीचे की तरफ होता है। अब ये कैविटी ऑफ यूटेरस और नीचे की तरफ ये वाली है, ये है अपनी सर्वाइकल कैनाल, ये दोनों कंटिन्यूस हो जाती है। इन दोनों के जंक्शन पे क्या मिलता है, इंटरनल ओएस, ये अपनी इंटरनल ओएस है, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल कैनाल, नीचे की तरफ मिलती है अपनी क्या, वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना कंटिन्यूस हो जाती है, इन दोनों के जंक्शन पे क्या मिलता है, एक्सटर्नल ओएस, ठीक। ये और बॉडी के यहाँ पे ये एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें बोलते हैं सुप्रोलेटरल एंगल, ये साइड में दिख रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं सुप्रोलेटरल एंगल। ये अपना कॉर्निया ऑफ यूटेरस, यहाँ पे क्या होती है, अपनी यूटेराइन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है, और अपने राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस कनेक्ट होता है इससे, और अपने जो ओवरी के लिगामेंट्स होते हैं ना, वो भी इससे कनेक्ट होते हैं अपने सुप्रोलेटरल एंगल से। उसके बाद नीचे ये लोअर वाला पार्ट दिख रहा है येलो कलर वाला, इसे बोलते हैं सर्विक्स, यहाँ से आते हैं सर्विक्स है। सर्विक्स को वेजाइनल वॉल के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बांट देते हैं, ये अपनी वेजाइनल वॉल है ये, ठीक है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को बोलते हैं सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, नीचे वाले को बोलते हैं वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन अपने इसके पार्ट्स का। अब एक एक पार्ट्स का अपन डिटेल से देखते हैं। देखो अपने सर्विक्स को तीन पार्ट में बांटा था, सबसे पहले देखते हैं फंडस के बारे में। तो फंडस क्या है, फंडस इसका अपर फ्री एंड होता है यूटेरस का, ठीक है, अपर फ्री एंड ऑफ यूटेरस, अबोव द ओपनिंग ऑफ यूटेराइन ट्यूब, जहाँ पर अपनी यूटेराइन ट्यूब की ओपनिंग हो रही थी उसके ऊपर वाला पार्ट होता है। कॉन्वेक्स लाइक डोम शेप्ड, ये कॉन्वेक्स होता है डोम शेप्ड का, है ना, कवर्ड विद पेरिटोनियम, ये अपना पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। देखो देखिए ना, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर, ये अपना रेक्टम, इन दोनों के बीच में होता है अपना यूटेरस। ये ऊपर वाला ये है अपना फंडस ऑफ यूटेरस, फिर ये है अपना बॉडी ऑफ यूटेरस, नीचे की तरफ अपना सर्विक्स, ये अपना पेरिटोनियम है, ये अपना पेरिटोनियम से कवर्ड है ना। इसके आगे की तरफ अपना यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस के बीच में ये पाउच बन रहा है जिसे बोलते हैं वेसाइको यूटेराइन पाउच, और इन दोनों के बीच में बनता है जिसे बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। इस रेक्टो यूटेराइन पाउच के अंदर क्या होता है, कोइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ये अपना बॉडी ऑफ यूटेरस है, बॉडी के दो सरफेस होते हैं ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, अभी देखेंगे इसके बाद में भी। तो अपना ये फंडस होता है, ये अपना पेरिटोनियम से कवर्ड होता है ना। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली फॉरवर्ड, ये डायरेक्टली फॉरवर्ड का था, मतलब अपन ने जब एंगल्स देखे थे फंडस के, तब अपन देखा था ना कि ये फॉरवर्ड टिल्ट करता है अपना यूटेरस, है ना। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइज ओसाइट इज इम्प्लांटेड इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस। जब अपना फर्टिलाइज ओसाइट है वो कहाँ इम्प्लांट होता है, अपने फंडस की पोस्टीरियर वॉल पे, या तो वो फंडस की पोस्टीरियर वॉल पे इम्प्लांट होगा, या अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूटेरस, जो यूटेरस की बॉडी है उसके अपर वाले पार्ट पे इम्प्लांट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बॉडी के बारे में। तो इसकी बॉडी के अंदर अपन ने क्या क्या चीज देखी थी, दो सरफेस होती है इसके अंदर, है ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, लेटरल बॉर्डर्स होते हैं, और बीच में कैविटी होती है। तो सरफेस दो होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर के आगे क्या था, अपना यूरिनरी ब्लैडर था ना। देखो ये दो सरफेस है, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। एंटीरियर के आगे क्या मिल रहा है आपको, ये यूरिनरी ब्लैडर मिल रहा है ना,
और अपने ये वेसाइकल यूटेराइन पाउच होता है, यूरिनरी ब्लैडर को क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं ना, तो इसे वेसाइकल सरफेस ही बोलते हैं। पोस्टियर वाली के पीछे क्या मिलता है, अपने ये रेक्टो यूटेराइन पाउच है, इसके अंदर क्या होता है, अपने इंटेस्टाइन के कोइल्स होते हैं, इसलिए इसे इंटेस्टाइनल सरफेस ही बोलते हैं पीछे वाली को, ठीक है, पोस्टियर को मतलब। एंटीरियर होती है ना ये फ्लैट होती है इस टाइप में, और पोस्टियर होती है कॉन्वेक्स होती है। एंटीरियर एंड पोस्टियर दोनों अपने ये पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। एंटीरियर क्या क्या, अपना वेसाइकोयूटेराइन पाउच होता है, पोस्टियर के पीछे क्या होता है, अपना रेक्टो यूटेराइन पाउच, तो ये इसके दोनों सरफेस हो गए। एंटीरियर सरफेस को वेसाइकल सरफेस ही बोल रहे थे क्योंकि इसके आगे यूरिनरी ब्लैडर था, पीछे वाले भी अपने कोइल्स ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं, इसलिए इसे इंटेस्टाइनल सरफेस ही बोलते हैं। ये फ्लैट होती है, ये कॉन्वेक्स होती है, आगे अपना वेसाइकोयूटेराइन पाउच था, पीछे अपना रेक्टोयूटेराइन पाउच था, दोनों अपनी पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। तो ये हो गया इसके सरफेस। नेक्स्ट देखते हैं इसके लेटरल बॉर्डर्स के बारे में। तो इसके लेटरल बॉर्डर्स कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं एंड कॉन्वेक्स होते हैं। हाँ, इसके बॉर्डर्स देखे थे ना, ये साइड में ये दिख रहे हैं ना आपको, ये लेटरल बॉर्डर्स ये है। तो ये राउंडेड होते हैं एंड कॉन्वेक्स होते हैं। प्रोवाइड अटैचमेंट टू द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ फ्यूटरस, ये क्या करते हैं कि जो अपने ब्रॉड लिगामेंट होता है उसे अटैचमेंट देते हैं, विच कनेक्ट इट टू पेल्विक होल, जो ये ब्रॉड लिगामेंट क्या करते हैं, अपने लेटरल बॉर्डर को पेल्विक होल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना कैविटी ऑफ यूटेरस, कैविटी के बारे में क्या है, इन कोरोनल सेक्शन इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, जो अपनी इसकी कैविटी होती है अपने यूटेरस की, ये कोरोनल सेक्शन में ट्राइंगुलर शेप की दिख रही थी है ना, इसका एपेक्स नीचे की तरफ होता है डाउनवर्ड। कैविटी इज कंटिन्यूस विद सर्वाइकल कैनल, जो इसकी कैविटी होती है वो नीचे की तरफ अपने सर्वाइकल कैनल से कंटिन्यूस हो रही थी। इन दोनों के जंक्शन पे क्या मिल रहा था, इंटरनल ओएस। नेक्स्ट अपने सुपरा लेटरल एंगल के बारे में, ऊपर की तरफ वो एंगल था उसे बोल रहे थे कॉर्नुआ ऑफ यूटेरस बोल रहे थे उसे। उससे क्या क्या चीज कनेक्ट हो रही थी, यूटेराइन ट्यूब, लिगामेंट ऑफ ओवरी एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस अपने सुपरा लेटरल एंगल से कनेक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट अपना सर्विक्स ऑफ यूटेरस, सर्विक्स क्या होता है, इसका लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है अपना यूटेरस का, नीचे वाला पार्ट था ना येलो कलर वाला, ओपन इनटू वेजाइना, जो इसका लोअर वाला पार्ट होता है सर्विक्स का, लोअर वाला पार्ट वो अपने वेजाइना के अंदर ओपन हो रहा था। अपन सर्विक्स दो पार्ट में पार्ट रहते हैं, एक अपना सुपरा वेजाइनल पार्ट, एक अपना वेजाइनल पार्ट, ठीक है, सुपरा वेजाइनल पार्ट। अब इसके एंटीरियर में क्या मिलते हैं सुपरा वेजाइनल पार्ट के, यूरिनरी ब्लैडर ही मिल रहा था ना, आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है, पीछे अपना यूटेरस होता है ना, तो यहाँ पे अपने यूरिनरी ब्लैडर था, पीछे क्या था अपना रेक्टोयूटेराइन पाउच एंड रेक्टम होता है। ईस्ट साइड में क्या होती है, अपनी यूटेराइन आर्टी और यूरेटर्स होती है। देखो ये एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर के आगे यहाँ पे अपनी क्या होगी, ये ऊपर वाला लगा लो, ये हो गया सुपरा वेजाइनल पार्ट, ये अपना वेजाइनल पार्ट। तो इसमें क्या होती है कि यहाँ पे अपनी ये यूरेटर्स की ओपनिंग्स होती है, ये दो लेटरल एंगल है ना, इसके लेटरल एंगल मतलब यूरिनरी ब्लैडर के लेटरल एंगल से, इनमें क्या होती है यूरेटर्स की ओपनिंग होती है, वही इसके ईस्ट साइड में होता है, और इसके यहाँ पे क्या होती है यूटेराइन आर्टरी होती है, ठीक है। तो ईस्ट साइड में अपनी क्या मिलती है, यूटेराइन आर्टरी एंड यूरेटर्स मिलते हैं। नेक्स्ट अपने वेजाइनल पार्ट के बारे में, तो वेजाइनल पार्ट में क्या है, स्पेस बिटवीन वेजाइनल पार्ट एंड वेजाइनल वॉल नोन एज वेजाइनल फोर्निक्स। देखो ये वाला, ये है अपना वेजाइनल पार्ट और ये अपनी वेजाइनल वॉल, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है ना ये वाला, इसे ही बोलते हैं वेजाइनल फोर्निक्स, वेजाइनल फोर्निक्स, वेजाइनल पार्ट और वेजाइनल वॉल के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोल रहे थे, वेजाइनल फोर्निक्स। नेक्स्ट अपना सर्वाइकल कैनाल के बारे में, तो अपनी सर्वाइकल कैनाल क्या होती है, अपनी फ्यूजी फॉर्म शेप्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर टू ओपनिंग्स होती है, इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस अंदर वाली, एक्सटर्नल ओएस बाहर वाली है ना। ये तो क्या कर रही थी, अपनी कैविटी ऑफ यूटेरस को सर्वाइकल कैनाल से कनेक्ट कर रही थी, और ये क्या कर रही थी, अपनी सर्वाइकल कैनाल को वेजाइना से कनेक्ट कर रही थी, ठीक है। जो अपनी सर्वाइकल कैनाल होती है उसके अंदर दो वॉल होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। इन वॉल्स में क्या होते हैं, वॉल्स हैव म्यूकोसल फोल्ड्स, इन वॉल्स के अंदर क्या होते हैं, म्यूकोसल फोल्ड्स मिलते हैं। इन म्यूकोसल फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, आर्बर विटाई यूटेरी के नाम से भी जानते हैं म्यूकोसल फोल्ड्स को। म्यूकोसल फोल्ड इंटरलॉक विद ईच अदर एंड क्लोज द कैनाल, ये म्यूकोसल फोल्ड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। जैसे सपोज ये है अपनी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होते हैं म्यूकोसल वॉल्स होते हैं, वो इंटरलॉक हो जाते हैं इस टाइप में। अभी ये क्या करते हैं सर्वाइकल, देखो इस टाइप में बंद कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपना क्लोज हो गया सर्वाइकल कैनाल, तो अपने म्यूकोसल वॉल्ड क्या करते हैं अपने सर्वाइकल कैनाल को बंद कर देते हैं। तो ये हो गया अपने पार्ट्स ऑफ यूटेरस के बारे में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो, थैंक यू।
ये अपना इसका डायग्राम होगा, पेल्विक कैविटी का, ये अपना यूट्रस का डायग्राम होगा।